Hey guys, this is Gusahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की जो वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को पिछले 1.5 साल से कमेंट करके बोलते हो कि जिस घर के अंदर आप रहते हो उसका एक होम टूर दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक होम टूर देने वाला हूँ अपने घर का, और ये भी बताऊँगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमने क्यों सिलेक्ट की थी रेंट पे रहने के लिए, इसके आसपास क्या एमिनिटीज़ वगैरह, इसका क्या रेंट है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और टूर शूर तो देंगे ही। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम घर के अंदर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बारिश हो रही है, फटाफट से चलते हैं। तो वही यही है घर की छोटी सी एंट्री, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी है, बाकी ऊपर बढ़िया हिसाब किताब है। और घर में एंटर करते ही सीढ़ियां हैं और पूरे घर के अंदर सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। हाँ जी, तो यार सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले सामने हमारी आती है किचन। और जब आप कोई भी घर वगैरह रेंट करने के लिए देखोगे तो जनरली मतलब 99.9% केसेस में जो अप्लाइंसेज होते हैं बेसिक जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका माइक्रोवेव हो गया या फिर डिश वॉशर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो हमारी इस प्रॉपर्टी में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। और जो किचन है वो काफ़ी बढ़िया, मतलब इनफ है, आइलैंड मेरे को मेरा फेवरेट लगता है, बहुत ही बढ़िया हिसाब के अलावा काफ़ी बड़ा आइलैंड है। और 2 बार चेयर्स भी ली थी, हमें बहुत ज़्यादा शौक था कि इसके ऊपर बैठ के भाई साहब थोड़ा एंजॉय वगैरह करेंगे, तो हमने पूरा शौक पूरा किया है यहाँ पे। अब यार जैसी सीढ़ियों से एंटर करते हैं तो एक और चीज़ है, सामने तो किचन है लेकिन किचन के जस्ट सामने एक बहुत ही बड़ी क्लॉजेट है जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है, मतलब खोल के नहीं दिखा सकता, बहुत सारा कबाड़ा है क्योंकि पैकिंग शैकिंग चल रही है। और इसके अंदर हमारी विंटर जैकेट्स, शूज़ वगैरह और ग्रोसरी के लिए बैग्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा सौदा पड़ा हुआ है। तो सीढ़ियों से जैसे ही आप अंदर आते हो सर्दियों के अंदर, तो अपनी जो गीली गीली विंटर जैकेट्स होती है, विंटर बूट्स वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर डाल दो। और जैसे ही किचन से हम इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है 4 कुर्सियों वाला, उसमें से एक चेयर मैंने तोड़ दी थी अपनी वीडियो एडिट करते हुए, मैं थोड़ा सा झूल रहा था। और उसके साथ हमने रखा हुआ है एक, क्या कहते हैं इसको, स्विंग चेयर या जो भी है वो कहते हैं, तो वो रखा हुआ है। और उसके ऊपर हमारी वेडिंग फोटोग्राफ लगी हुई है। और इस डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में बालकनी की एक्सेस है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फ्लोर है किचन लिविंग रूम डाइनिंग एरिया वाला, यहाँ पे छोटी सी बालकनी है, ये मतलब इतनी बड़ी है कि यहाँ पे 2 कुर्सियाँ और एक टेबल, मतलब वो पैटियो छोटा सा रखा जा सकता है। तो एक बार आपको फटाफट से दिखाता हूँ। तो ये हमारा पैटियो है, यहाँ पे हम काफ़ी बार बैठते हैं, बातें जाते करते हैं और सामने बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो एकदम हिसाब किताब बढ़िया लगता है। और वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, जो पार्किंग है वो इंक्लूडेड है, एक पार्किंग। और साथ के साथ इस पूरे पार्किंग लॉट में काफ़ी मतलब इनफ विजिटर पार्किंग्स हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे ही यार बालकनी से अंदर आते हैं तो ये छोटी सी डिकोर है जहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब प्ले बटन रखा हुआ है, जो कि आपके प्यार और आपकी मेहरबानी से आया है, तो थैंक यू सो मच सबको। मैंने कभी ऐसे ऑफिशियल वीडियो वगैरह नहीं बनाई है लेकिन ये हिसाब किताब है। और इसके जस्ट इधर आएँ तो यहाँ पे हमारा आ जाता है लिविंग एरिया। और यार इस लिविंग एरिया के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है ये जो पीछे आपको विंडो दिखाई दे रही है, जब भी यहाँ पे बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है हम किसी हिल स्टेशन पे या फिर किसी रिजॉर्ट पे आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ से वो जो मैकलेनन पार्क है उसका बहुत ही बढ़िया व्यू आता है, लोग ऊपर जा रहे हैं लोग नीचे आ रहे हैं, हिसाब किताब एकदम बढ़िया रहता है। और सामने रखा हुआ है हमने हमारा टेलीविजन, जो कि मैंने 2020 में जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, जॉब वगैरह लगी थी, मैं लंदन मूव हुआ था तब खरीदा था टाइम पास करने के लिए। तो बेसिकली यार ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाय जो पीते हैं, टीवी देखते हैं, मैं अपनी गेम्स वगैरह खेलता हूँ, काफ़ी सारी जो इंडोर वीडियोज़ है मैं यहीं बैठ के अपनी शूट करता हूँ अलग अलग एंगल्स लेके। पीछे हमारी किचन आपको दिखाई दे रही होगी, कभी कभी जैस्मिन जी, कभी कभी मैं अलग अलग पकवान वगैरह वहाँ से लेके आते हैं। और हाँ, थोड़ा सा फर्नीचर, थोड़ी सी डिकोर आइटम्स आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी जो पहले होती थी, क्योंकि हम मूव आउट कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम या तो बेच चुके हैं या फिर पैक कर चुके हैं। और यार लिविंग रूम के अंदर ही मान लो एक हमारा पाउडर रूम है, पाउडर रूम बेसिकली वो होता है जिसके अंदर नहाने का हिसाब किताब नहीं होता लेकिन कमोड होता है और वॉश बेसिन वगैरह होता है, तो ये सिस्टम इसके अंदर है, खोल के दिखाने का कोई फायदा नहीं है, पता ही अंदर क्या होगा, तो ये हिसाब किताब है। और यहाँ पे आती हैं सीढ़ियाँ जो कि हमें बेडरूम्स की तरफ लेके जाती है, तो फटाफट से ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर का हिसाब किताब दिखाते हैं। हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं। तो वही है तीसरा टेक, पहले 2 टेक में मैं सीढ़ियों से भाग के ऊपर आया था लेकिन अब थक चुका हूँ इसलिए आराम आराम से आया हूँ। तो बेसिकली जैसे हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो ये छोटा सा एरिया ओपन एरिया है, जैसे इंडिया में अपने वेड़ा होता था ना वैसे उसी तरीके का हिसाब किताब है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सौदा रखा हुआ था जैसे ड्रॉर्स वगैरह हो गए, तो ये खाली एरिया है। यहाँ पे अभी फिलहाल थोड़ा सामान पड़ा है क्योंकि मूव कर रहे हैं, तो गदियाँ गुदियाँ। इन सीढ़ियों से भी ऊपर जाके कुछ है वो भी आगे दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ पे जैस्मिन जी भी है, एक और दरवाजा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इस दरवाजे के पीछे देखते हैं क्या। तो बेसिकली यार यहाँ पे है वॉशर और ड्रायर, जैसे अपार्टमेंट यूनिट्स वगैरह होती है उनके अंदर कॉइन सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूडेड थी। और ये चीज़ बेडरूम्स वाले फ्लोर पे है तो वो भी बढ़िया चीज़ थी क्योंकि बेसमेंट वगैरह में नहीं जाना पड़ता।
और फिर इस दरवाजे के पीछे है एक वॉशरूम, बेसिकली वो कॉमन वॉशरूम है, दोनों बेडरूम वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम दिखाने का फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर बाथटब लगा हुआ है, कमोड है, वॉश बेसिन है, तो एक डिसेंट साइज़ का वॉशरूम है जो ज़्यादातर घरों में जैसे होता है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। इस कमरे में बाद में जाएंगे, पहले इसमें जाते हैं। तो बेसिकली यार ये है पहला बेडरूम, थोड़ा छोटा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम नहीं है, ये दिखाता हूँ आपको। तो ये है एक सेकेंडरी बेडरूम। इस बेडरूम के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी थी, इसके अंदर जो विंडो है ना वो बहुत बढ़िया है, और इस साइड भी एक छोटी सी विंडो है, तो दिन के टाइम लाइट जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इसमें फ़िलहाल अमन रह रहा था और मम्मी पापा ने भी इसी रूम के अंदर स्टे किया था, तो एक डिसेंट साइज़ का कमरा है। और साथ के साथ इसके अंदर एक अच्छी खासी क्लोज़ेट है, काफ़ी बड़ी क्लोज़ेट है, एक बंदे के या फिर दो लोगों के, जैस्मिन जी अगर ना हो तो नॉर्मल दो लोगों के कपड़े आराम से इसके अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये पहला कमरा है, और आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं, मास्टर बेडरूम। तो यार पीछे फोटोज वगैरह देख के आपको पता लग गया होगा कि इस रूम के अंदर कौन रहता है। तो बेसिकली ये है जैस्मिन जी और मेरा बेडरूम। थोड़ा बहुत खिलारा मचा हुआ है क्योंकि आपको बताया ही है मूव कर रहे हैं, 2500 बार बता चुका हूँ। इसके अंदर बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सनराइज होता था, अभी तो अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे बालकनी है, बहुत ही सुंदर व्यू आता था, और जब भी मैं रोज़ सुबह उठता था ना, बहुत ही बढ़िया सनराइज़ होता है सामने, तो बहुत अच्छा लगता था। और इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं क्योंकि एसी का वहाँ पे वो कुछ लगा हुआ है सिस्टम। ये है अपना जैस्मिन जी का ड्रेसिंग टेबल। और सब बहुत बढ़िया चीज़ इस रूम के बारे में ये थी कि इसके अंदर दो क्लोज़ेट हैं, तो जैस्मिन जी और मेरी कभी भी लड़ाई नहीं हुई पूरे 1.5 साल में। ये जैस्मिन जी का ये जैस्मिन जी का, और ये मेरा क्लोज़ेट। ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन वो उधर तक एक्सटेंडेड है, तो सेम साइज़ के क्लोज़ेट्स हैं। और एक और बढ़िया चीज़ इस यूनिट के बारे में मुझे लगी थी कि इसके अंदर ऑन स्वीट है, ये थोड़ी सी डिकोर है, तो ऑन स्वीट वॉशरूम है, स्टैंडिंग शावर है, तो बढ़िया हिसाब किताब था, तो सिस्टम सेट था। एग्जैक्टली सेम यूनिट हम कहीं और भी देख के आए थे, उसके अंदर बस ये कमी थी कि मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम नहीं था, तो हमने इसलिए वो नहीं लिया था, ये वाला लिया था, सही बात है ना। और इसकी लोकेशन भी बहुत बढ़िया थी। बाकी अब उन सीढ़ियों के ऊपर क्या रहस्य है वो आप लोगों को दिखाते हैं। लास्ट छुपा रही है। तो बेसिकली यार सीढ़ियाँ चढ़ते ही सबसे पहले आ जाता है अपना वाटर सॉफ्टनर। तो है क्या कि किचन और वाटरलू के अंदर जो पानी आता ना वो काफ़ी हार्ड है, तो हर एक घर के अंदर एक वाटर सॉफ्टनर होता है, तो इसके अंदर सॉल्ट वगैरह डालते हैं, तो हिसाब किताब बढ़िया रहता है। और यहाँ पे एक साथ में एक छोटा सा कमरा है, इस छोटे से कमरे के अंदर है घर की बैकबोन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, फर्नेस, वाटर हीटर, एयर कंडीशनिंग वगैरह होगी जिससे पूरा का पूरा घर चलता है। तो इसके अंदर हम एक दो बार ही आए हैं जब कुछ लैंडलॉर्ड ने बोला था, अदरवाइज हमने कभी भी ज़्यादा पंगे नहीं लिए हैं, इसलिए चीज़ बढ़िया चलती रही है, हमें कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आई है। और इस रूम को यार थोड़ा सा खुला ही छोड़ना होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, अगर इसको पूरा बंद कर दोगे तो वो हीट इकट्ठी होती रहेगी और आग लगने का खतरा होता है, और इसके अंदर हमें कुछ भी सामान नहीं रखना होता है। बाकी इस एरिया में वाटर सॉफ्टनर के सामने हमने अपने काफ़ी सारे बैग्स वगैरह रखे हुए थे, डब्बे डुब्बे रखे हुए थे, वो लैंडलॉर्ड ने अलाउ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ भी रखने से अलाउ नहीं किया था और कभी भी रखना भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली यार इस घर के रेंट की बात करें तो वो था हमारा $2,300 पर मंथ, और उसके ऊपर से हमें यूटिलिटीज़ का भी खर्चा देना होता था। हमारे दो बिल आते थे यूटिलिटीज़ के, एक था पानी का और हीट का इकट्ठा, वो आता था अप्रॉक्सीमेटली $70 to $80 पर मंथ, और उसके साथ साथ एक और बिल आता था बिजली का, मतलब हाइड्रो का, वो आता था अप्रॉक्सीमेटली $110 पर मंथ, तो टोटल मिला के $200 हो गए, मतलब $2,500 पर मंथ। उसके ऊपर से वाईफाई का भी खर्चा होता है $60 पर मंथ, और उसके साथ साथ हमें एक टेनेंट इंश्योरेंस भी देनी होती है, मतलब खुद ले रखी थी हमने $52 पर मंथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, फायर हैजार्ड हो जाता है और कोई भी घर पे चीज़ चोरी हो जाती है तो यू आर कवर्ड, तो ये चीज़ लेनी बहुत ज़रूरी होती है। बाकी अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ न्यू इमिग्रेंट कैनेडा के अंदर कोई घर वगैरह रेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मेरे एक्सपीरियंस में 3-4 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए, मतलब आसपास एक दो बस स्टैंड होने चाहिए जो आपकी आपके कॉलेज पे, आपकी पार्ट टाइम जॉब पे या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं लाइक वॉलमार्ट, कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह हो गया या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, मे बी शॉपिंग मॉल भी हो गया, वहाँ पे आपको वो बस डायरेक्ट ले जाए, आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे यहाँ से दो बसें जाती हैं, एक शॉपिंग मॉल डायरेक्ट लेके जाती है, एक वॉलमार्ट वगैरह डायरेक्ट ले जाती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि लोकेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और साथ के साथ अगर आसपास कोई पार्क होगा
तो और बढ़िया हिसाब किताब होगा। अगर बोर हो जाते हो या फिर घर की याद आ रही है तो वर्कशॉप पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको और लोग मिल जाएंगे जिनसे आपकी दोस्ती वोस्ती हो जाएगी, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। ऊपर से कोशिश करो कि उसके अंदर यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हो, मतलब आपको रेंट के अलावा कोई यूटिलिटीज़ वगैरह ना देनी पड़े, तो आपका हिसाब किताब बढ़िया रहेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और बिना टेंशन के आप यूज़ कर लोगे, मतलब वाईफाई, हाइड्रो, वाटर, हीट, ये सब इंक्लूडेड हो तो अच्छा रहेगा। मेन चीज़ ये है कि जैसा मर्जी घर हो, चाहे सुंदर हो या फिर थोड़ा सा कम सुंदर हो, वो मैटर बाद में करेगा, लेकिन सबसे पहले आती बात कि आपके साथ लोग कौन रहते हैं, कितनी वो सफाई रखते हैं, कितने अच्छे से वो बात करते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अगर लोगों को पहचानने की आपके अंदर एबिलिटी होगी कि भाई ये लोग सही है मेरे साथ रहने के लिए, तो थोड़ा सा कम सुंदर घर या फिर थोड़ा सा बेकार घर भी आपको बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर सुंदर घर के अंदर लोग बेकार होंगे तो आपको सुंदर घर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब लोगों को पहचानना, उनको जज करना, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीखना होगा अगर आप थोड़े से 12th पास करके आ रहे हो या आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई मेरी कैनेडा के अंदर PR CR कैसे हुई थी, क्या प्रोसेस था, उसके लिए आप राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।